आज मैंने पेपर में ही पढ़ा है, पिछले मेरे ख्याल में 13 साल में सबसे जो कूल है, ठंडा ठंडा जो वो रहा है अप्रैल का महीना मौसम रहा है सर। हर चीज़ इफेक्ट डालती है सर। मैं आपको दर्शकों ये बताना चाहता हूँ सर, जैसे ही मौसम ख़राब हो गया तो जो सांस का जो मरीज़ है ना उसको भी तकलीफ हो जाती है। तो बिल्कुल ये 1-1.5 महीने से बना रखी है इन्हें। अभी आप देखो इसको मूवमेंट करके देखो सर, बिल्कुल ये क्या है, टूट नहीं रहा सर। कितनी देर में टूटा है, तो मशीन के अंदर से लपेटा खा जाती है, इस वजह से बेल्ट स्लिप करेंगी, टूट फूट होगी। इसके अंदर जो परेशानी है हमने वो कंपनी की तरफ से भी दूर कर दी गई है, और ये आज मतलब अपने आप में ही देख रहे हो भाई, ये खुश है। कोई बात नहीं भाई, और मैं बोलूँ भाई से वो करूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आगे जो सामान लेना है तो प्लीज़ हमारी दुकान से ही ले। और भाई सीधा अभी मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो और यूट्यूब पे डालूंगा, इस पे डालूंगा। मैं बोला भाई ये छोटी सी चीज़ के लिए आप मेरे को क्यों मतलब इतना परेशान कर रहे हो। तो दोस्तों वो क्या करें कि भाई थोड़े कहीं ना घना समझियो, और छोटे ने प्यार और बड़े नमस्ते भाई। गोलू भाई भी और डांडा साहब भी आज दोनों एक साथ खड़े हैं, और मशीन में जो कमियां थी ना, जो पुरानी वीडियो में आपने देखी थी, वह सारी कमियां आज दूर हो चुकी हैं, और डीलर और ज़मींदार दोनों एक साथ खड़े हैं। तो भाई जो पिछली वीडियो में आपने मशीन की कमियां देखी थी, उस वीडियो ने देखी हुई ने अनदेखी करो, और मशीन की खासियतों पर ध्यान करो। तो पिछली वीडियो नहीं हम बंद कर लाग रहे, क्योंकि उस वीडियो के चलाने का कोई औचित्य नहीं रहा, जो किसान की समस्या थी वह समाधान हो गया उसका। तो पुरानी वीडियो भाई हम बंद कर लाग रहे हैं। लगभग 40 या 35 के ऊपर एक टीम होती है सर, एकदम से अगर उस 40 में से अगर मान लो 15 बंदों का भी एकदम से फ़ोन आता है सर, आप सोचो कि 100 में से 100 नंबर में ले लूं, तो कई बार क्या होता है भाई 99 भी रह जाता है, 98 भी रह जाता है। तो एक आध हमें भाई बोलो जैसा भाई कोई नाराज़ हो गया तो उसको भी हम संभालने पड़ते हैं सर। नहीं थैंक यू सर, मैं भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार तो बड़ा नाराज़ था, वैसे मैंने इस बोलू भाई का कोई भी फ़ोन नहीं छोड़ा था सर, और ना ही मैं कोई अपशब्द का बोला था। केस की मशीन की नहीं, सभी जितने भी मशीन अपने भारत में बन रही हैं, सभी मशीनों के बारे में जो मैं फार्मूला दूंगा उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करके निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको वही चक्कर मिलेंगे 17-18 की रेस में सर। क्रॉस कभी भी जब तक उसकी लाइन अलाइनमेंट सही नहीं होगी, वो कभी भी क्रॉस आपको बार बार मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, बार बार क्रॉस तोड़ेगा सर। उसके लिए अपने सावधानियाँ क्या रखनी है ये देखो सर, ऐसे हम लोग बिल्कुल फ्री देखना चाहिए, हाँ फ्री घूमना चाहिए सर। पुली बदलते समय ध्यान में सावधानियाँ रखने वाली बातें हैं। जब तक ये जो बीच वाला जो पार्ट्स है सर, जब तक सही नहीं मिल जाता, आप नट को बिल्कुल टाइट मत करो। अच्छा, इसके अंदर जो सापट है, ये सापट क्यों बैंड होती है, इसके अंदर गण बजा लो सर, बिल्कुल कभी खराब नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आपने ट्रॉली फिट कर ली, फिट होने के बाद ट्रॉली भर गई, अगर आपने 3 मिनट भी एक्स्ट्रा चला दी सर, जैसे ही पाइप के अंदर सर आपकी क्या हो जाएगी, थ्रेसिंग के अंदर तूड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, यहाँ करके मतलब 3 मिनट के अंदर ही मूवमेंट हो जाएगा इसके अंदर। हाँ, उसके बाद में सर यहाँ तक पंखे के अंदर मतलब तूड़ी भर जाएगी, तूड़ी भर जाएगी। तो आगे ट्रैक्टर चक्कर लगा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो अचानक से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लोड आएगा सर। ये तो देखो किसान भाइयों को थोड़ा सा जानकारी होगी, क्या पता 5% तो हमारा को नुकसान होने से बचे सर। सही बात। तो जो गाइड्रम की जो सापट है, गाइड्रम सापट तो खराब नहीं होती है सर, लेकिन गाइड्रम कभी कभी खराब हो जाता है। तो 2 या 3 साल के अंदर आपने मतलब गाइड्रम की रीचेकिंग करवा लेनी है, 500 या 1000 ट्रॉली के बारे में अपनी मतलब गाइड्रम की पक्का रीचेकिंग करे, अच्छे से जांच कर ले जब चलाने से पहले, मेरे कहीं से फटा तो नहीं है। ठीक मारने के बाद में अगर आपकी जंपिंग ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपकी मतलब बेल्ट सही है, अगर आपकी जंपिंग आने के बाद में नीचे आपकी मुट्ठी रह रही है तो इसका मतलब आपकी क्या है, बेल्ट लूज है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा शाम होते ही आपने चलाई तो ये सारी की सारी बेल्ट स्लिप कर जाएंगी सर। वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ने राम राम भाई, या के एस के रिपर है भाई, जो नया मॉडल का 769XC या रिपर चर्चा में थी थोड़ी सी, इनमें एक दो फॉल्ट था छोटा मोटा, तो वो फॉल्ट अभी दूर हो गया है। गोलू भाई ने आप जानो इसकी पिछली वीडियो बनाई थी हमने एक, और वीडियो में डांडा साहब भी साथ में है भाई। यह जो अगली वीडियो बनाई जा रही है तो उस पिछली वीडियो में जो आपने देखा था उस देखे उड़ना सब अन सुना करो, क्योंकि जो इस मशीन में फॉल्ट वगैरह थे वो फॉल्ट डांडा साहब ने, कंपनी ने, केस ने सारे मिलकर सारे फॉल्ट वगैरह दूर कर दिए हैं। लेकिन बात करेंगे इस पे विषय पे कि फॉल्ट किसी की भी मशीन में आस्क है, गोलू भाई के में नहीं, और जरूरी नहीं के एस की मशीन में अंदा हो, किसी भी मशीन में फॉल्ट आस्क है, लेकिन वो फॉल्ट क्यों आ है, के सावधानी जमींदार भाई ने बरतनी चाहिए। तो उसी वजह से आज फिर हम जो है ना गोलू भाई के फार्म पे एक बार फिर इकट्ठा हुए हैं, साथ में अपने डांडा साहब डीलर भी हैं जींद से, और गोलू भाई भी है। तो भाई गोलू भाई आपका भी और डंडा साहब आपका भी, आप दोनों का स्वागत है मेरे चैनल पे। थैंक यू। और जो सामने से दर्शक भाई
जो एक बार इस वीडियो के बारे में पूछना चाहोगे कि भाई इसमें जो फॉल्ट वगैरह थे वो ठीक हो गए कि नहीं हो गए। तो गोलू भाई आप बताओ, जो आपकी मशीन में फॉल्ट वगैरह थे वो लिगड़ गए? हाँ, अपनी मशीन में जो फॉल्ट थे सारे क्लियर हो गए हैं। थोड़ा मोटा, हाँ मन मोटा हो जाए अगर, ज्यादा फॉल्ट कर दिए थे मशीन ने। देखो यार भाई, क्या है जमींदार की बुद्धि ना, हर सीजन में खराब हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए तो चुकर देने घूमे है। एक तो इन दोनों दिक्कत है कि लेबर रुक के मार लाग रही है, ट्राली खाली हो ली है, दूसरी ट्राली लेने नहीं आ रही, आदमी भरकर नहीं आ ली। दूसरी के अंदर जमींदार ने दिखा यार ट्राली मशीन खराब होगी, ट्राली भर गया पता नहीं, उसकी तोड़ी बनानी, उसके गेहूँ गिरने हैं। तो इस तरह का होता है। मतलब आप आई जो है आपकी कंपनी तो है, डीलर तो है, मशीन तो है, सब संतुष्टि है? सब संतुष्टि है भाई साहब। तो चलो ये बढ़िया है। तो डंडा साहब, जो अपने दर्शक भाई देख लाग रहे ना, उन भाइयों ने एक बार बताओ कि मशीन में फॉल्ट किस वजह से आवे? सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मेरा जो एड्रेस है श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट, पुराना अस्सी रोड नया अस्सी रोड के बीच में मेरी वर्कशॉप है। और जो गोलू भाई की यानी कि मोहित भाई की जो भी प्रॉब्लम आई थी, हम तो कोशिश ये करते हैं सर दिन रात 12 बजे तक भी फ़ोन अटेंड कर सकें, लेकिन कई बार समस्या क्या हो जाती है सर, जैसे जैसे फर्स्ट में सीजन स्टार्ट होता है, जितनी भी अपनी रिपोर्ट होती हैं एकदम से स्टार्ट हो जाती हैं, और एकदम से कोई नन्नी का, कोई मोटी का, किसी का मतलब प्रॉब्लम आना नहीं शुरू हो जाती है। तो उस समय हमारा भले ही मतलब 2-4 घंटे का जो सर्विस है डिले होगी, उसके बाद तो हमने 2-4 दिन के बाद में जैसे जैसे मतलब सीजन स्टार्ट हो जाता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि भी हर बंदे को सर्विस दी जाए। मतलब डांडा साहब बात हो भाई, सर्विस टीम में एक या दो होती है और मशीनें ज़्यादा भी की होती है, तो हर बंदे के लिए सर्विस टीम तो? बिल्कुल सर, लगभग 40 या 35 के ऊपर एक टीम होती है सर। एकदम से अगर उस 40 में से अगर मान लो 15 बंदों का भी एकदम से फ़ोन आता ही आता है सर स्टार्टिंग में 2 या 3 दिन के अंदर, तो उसको मेंशन करने के लिए जैसे किसी का गियर बक्सा खराब हो गया तो एट ए टाइम हमारे को डिसीजन लेना पड़ता है तुरंत। और उसके उसके बाद में उसके अलावा फिर नेक्स्टली क्या हो जाता है सर, जिसी का भाई नन्ना है, मोटा है, जाल चेंज करना, उसको हम फिर 2-4 घंटे डिले कर देते हैं। लेकिन इमिडिएटली कोशिश ही हमारी रहती है सर कोई भी मशीन मतलब 2 या 4 घंटे के अलावा मतलब होल्ड ना हो। आपके कहने का मतलब ये है भाई, कस्टमर के पास एकदम से नहीं जा पाते भाई फ़ोन करने में 2-4 घंटे जाने में, मतलब जैसे शोरूम से आपके जहाँ आपकी दुकान वहाँ से कस्टमर के खेत तक जाने में भी टाइम लग जाता है? बिल्कुल सर, कई बार क्या होता है सर, कस्टमर इतने में नाराज हो जाए भाई एकदम से नहीं आ पाते? बिल्कुल सर हो जाता है, और वो हमारा लगभग मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आपके TV के माध्यम से और जो आपके चैनल के माध्यम से सर, कई कस्टमर ऐसे हैं मेरे जो लगभग 50 के लगभग रीपर लेते हैं एक साथ में, और वो जो सर्विस की वजह से ही लेते हैं सर। लगभग मान के चलो आप मिर्जापुर खेड़ी विकास है और वहाँ मुन्ना है, कई बंदे ऐसे हैं लेंगे अपने से ही सिर्फ सर्विस की वजह से ही सर। लेकिन कई बार क्या होता है सर, 100% मतलब रिजल्ट नहीं निकलता सर। आप सोचो कि 100 में से 100 नंबर में ले लूँ तो कई बार क्या होता है भाई 99 भी रह जाता है, 98 भी रह जाता है, तो एक आध हमें भाई बोलो जैसा भाई कोई नाराज हो गया तो उसको भी हम संभालने पड़ते हैं सर। नहीं थैंक यू सर, मैं भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बार तो बड़ा नाराज था। वैसे मैंने इस बोलू भाई का कोई भी फोन नहीं छोड़ा था सर, और ना ही मैं कोई अपशब्द का बोला था, लेकिन कई बार किसान क्या होता है सर। ओके सर, ओके सर, हाँ जी, तो मैं उसका इशारा तो यही उंगली को मैं ऐसे बुला रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे करके बुला रहा हूँ, इशारा तो बुलाने का समझने वाले का फर्क हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हाथ ऊपर हो या नीचे हो, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं। तो सबसे पहले अभी हम जो किसान भाइयों को जो मशीन के अंदर क्यों और किस वजह से फॉल्ट आते हैं थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूंगा सर। और उसके साथ साथ में कई कस्टमरों का ये मतलब ये रहता है कि भाई हमारे को चक्कर नहीं मैच हो रहे, तो उसके बारे में भी हाँ चक्कर की बहुत समस्या। 20 वाला भाई है दीपक है, गर्नावटी था, उसका कई बार फोन आ लिया लगभग 3-4 दिन से, उसके पास 56-20 ट्रैक्टर है, वो बहुत जल्दी पूछ रहे हैं। इसका जो दूसरा मॉडल है ना अपना KS का, हाँ जी हाँ जी, 56 इंची, तो 56 है वो वाले मॉडल के, लो पूरी पूछ रहे कौन सी। कोई दिक्कत नहीं सर, KS की मशीन की नहीं, सभी जितनी भी मशीन अपने भारत में बन रही हैं सभी मशीनों के बारे में जो मैं फार्मूला दूंगा उसके अनुसार आप कैलकुलेशन करके निकालोगे तो एग्जैक्ट आपको वही चक्कर मिलेंगे 17-18 की रेस में सर। अच्छा। तो जिस भाई किसान भाई का कोई पुलियों से अपने माइंड से चक्कर चेंज कर रहा था, कोई चक्कर मिलवाने के लिए आ रहा था, तो आप फार्मूले से यूज़ करो और घर बैठे ही आप अपने हिसाब किताब लगा देना, और ये जो मैं फार्मूला बताऊंगा ये अपने कॉपी में या वैसे नोट कर लेना सर। तो सबसे पहले तो हम जो फॉल्ट आते हैं सर, जैसे क्रॉस क्यों टूटते हैं, क्रॉस टूटने के मेन रीज़न कारण क्या होता है सर? बोलो। सर जो क्रॉस की लेंथ होती है ना, क्रॉस कभी भी जब तक उसकी लाइन अलाइनमेंट सही नहीं होगी वो कभी भी क्रॉस आपको बार बार मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा, बार बार क्रॉस तोड़ेगा सर। उसके लिए अपने सावधानियां क्या रखनी है, सबसे पहले तो ये जो योग है और जो ये योग है सर,
ये आमने सामने होने चाहिए सर, दोनों में मतलब दोनों में बिल्कुल भी सूत भर का भी फर्क नहीं होगा। कई किसान क्या करते हैं, यही पिट्टी अगर हम दूसरी तरफ डाल लेंगे तो डल जाएगी, लेकिन उसको एंटी हो जाता है सर, एंटी हो जाते हैं, एंटी हो जाता है और किसान को पता नहीं लगता कि भाई ये क्रॉस मेरा बार बार क्यों टूट रहा है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि चाहे वो रोटावेटर हो, चाहे आपका मतलब रिपर हो, चाहे किसी भी इंप्लीमेंट में अगर क्रॉस चल रहा है, तो ये जो योग है, ये योग है आमने सामने आप फिट करो, कभी भी आपको क्रॉस की दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में भी इधर आओ सर, ये वाला योग हो गया, अब ये वाला भी हो गया सर, ये भी अब देखो जैसे आउट है, ये आउट है सही, हाँ, या तो ये यहाँ से तोड़ेगी सर, खराब होगा, या ये योग तोड़ेगी सर। अच्छा जैसे देखो भाई मैं दिखाऊंगा आपको, ये बिल्कुल देखो सेंटर में डले हुआ है बिल्कुल सर, ऊपर की तरफ, और उधर जावे तो ये देखो यहाँ वाला, ये यहाँ आना चाहिए, हाँ यहाँ आना चाहिए, यानी कि ये आने वाहन यहाँ आना चाहिए सर, इसको निकाल करके हम जब फिट करते हैं ना, जब मतलब सीध में तो इसको निकाल हाँ, तो हम आगे घुमाना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा सर, हमारे लापरवाही कर देते हैं सर, जब हम क्रॉस को फिट कर देते हैं, मतलब फिट करते हैं, वाइड करके दिखा रहा हूँ, देखो दोनों में देखो ये किस सीध में है और वो वाला किस सीध में है, तो इसको निकाल कर थोड़ा आगे करना पड़ेगा, हमने उसकी सीध में करके डाला जाएगा जब चलेगा यू, बिल्कुल सर। तो आपको काफी 90% सर आपको जो क्रॉस की समस्या वो खत्म हो जाएगी सर। उसके बाद में क्रॉस की एक और ज्यादा समस्या आती है सर, जब जैसे ही आपने क्रॉस डाला ये उसको डंडा सब ऊपर और उठा लो, उठा लो हाथ थोड़ा बचियो, खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं कोई नहीं सर, अब दिखाओ कैसे, ये देखो सर ऐसे हम लोग बिल्कुल फ्री देखना चाहिए, हाँ फ्री घूमना चाहिए सर, फ्री। तो अगर फ्री नहीं घूमेगा तो इसके दो ही कारण है सर, या तो इसके अंदर घोड़ी छूट गई आपकी, या योग आपने जो पहले मतलब गर्म होने के बाद में क्रॉस को ज्यादा चला दिया, तो क्या करेगा सर थोड़ा टेढ़ापन हो जाएगा। तो दो कारण है सर, सबसे बड़ा कारण तो क्या है, जब मिस्त्री कोई भी मिस्त्री होता है, मेरा वाला मिस्त्री होता है, वो लापरवाही के अंदर क्या कर देता है सर, अंदर गोली छोड़ देता है, छोड़ देता है, मतलब जब क्रॉस बदला जाए तो उसकी सफाई होनी चाहिए अच्छे से। तो उसके बाद में क्या हो जाता है सर, गोली छोड़ने के बाद में वो बोले थोड़ा सा कट टाइट में है, तो बोलेगा यार यहाँ से ले जाओ आप, ले जाओ जाने के बाद में मतलब ठीक हो जाएगा, तो मेरा हाँ चाहे मेरे पास डलवाओ आप, चाहे किसी भी मिस्त्री के पास डलवाओ, उनको भाई इसको बिल्कुल फ्री घुमा, फ्री घुमा के दे, हाँ दे दे, नहीं तो तेरा निकाल ले और दोबारा डाल मेरा, दोबारा डाल। और फिर भी अगर ये परेशानी दूर नहीं हो रही तो आपने पिछले वाला योग या जो अगले वाला योग है उसके अंदर ऐंठ है वो निकालो, नहीं तो जाने के बाद में 2-4 ट्रैली 10 ट्रैली के बाद में फिर दोबारा तोड़ेगा सर, क्रॉस टूटेगा या कहीं और फोड़ फोड़ होगी इसमें, बिल्कुल सर। तो ये तो थी सर जो क्रॉस के बारे में, क्रॉस के स्पीड से पटके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगली समस्या ये आती है सर, जैसे पुली है, हाँ जी पुली, कभी किसान जब चक्कर मैच नहीं होते हैं तभी वो मतलब क्या करता है सर, वो इधर उधर मेरे पास से आएगा या दुकान से, हाँ ज्ञान लेकर के वो पुली बदलेगा। पुली बदलते समय ध्यान में सावधानियां रखने वाली बातें, जब तक ये जो बीच वाला जो पार्ट्स है सर, जब तक सही नहीं मिल जाता, आप नट को बिल्कुल टाइट मत करो। अच्छा, इसके अंदर मैच ना हो, बिल्कुल बिल्कुल एक नीचे इसके काटर दी हुई है सर। अच्छा, कटर दी हुई है, कई बार क्या हुआ मेरे से जैसे या फिर किसी भी दुकानदार से कटर लेके चले जाता है, तो इसका जो कटर का साइज है ना सर, देखिए ये वाला देखो इस टाइप में, ये तो बगैर कटर की पुली है, तो क्या कर देते है सर, कोई मोटी या कोई पतली ले जाता है, जैसे उसने पुली के अंदर फिट की, आपने पार्ट्स को बंद किया तो तुरंत ब्रोकन हो जाएगी सर। मैं एक मेरा उदाहरण देता हूँ सर, ये 10-15 दिन पहले की बात है, एक कंपनी की थी 16 इंची पुली मैंने डालनी थी, मेरे बंदे ने क्या किया, मोटी काटर होने के बाद में थोड़ा सा फिट किया, फिट होने के बाद में क्या है एक पुली तोड़ दी। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर के बाद में क्या हुआ सर, 5 मिनट के बाद में दोबारा डाली, दोबारा फिर तोड़ दी सर उसने। अच्छा, तो उसका मतलब चलो नुकसान तो हो गया, लेकिन वो लापरवाही किसकी थी, जो मिस्त्री है डालने वाला। और कभी कभी किसान क्या कर देता है सर, वो खुद भी गलती कर देता है, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है सर, जब भी आप पुली को बंद करते हो या इसको नट बोल्ट लगाते हो, उससे पहले आप बिल्कुल इसकी जो लाइन है वो मैचिंग है, और कटर को मोटा मतलब बोल्ट से खींच कर टाइट नहीं करना, उसको पहले ऐसे कैसे मिला उसमें चीरी नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, और कटर को भी आप साइज का, जब तक साइज नहीं होता सर, चाहे आपका आधी ट्रैली का नुकसान होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस कटर को भी आप तोड़ फोड़ से बचेगा सर। उसके बाद में अगर आपने कटर मोटी डाल दी, ब्रोकन हो जाएगी, अगर आपने लूज डाल दी तो ये सापट भी कर जाती है सर, और ये भी कर जाती है, फिर वाइब्रेशन करना शुरू कर देती है सर मशीन। तो ये थी चीज जो पुड़ियों के बारे में, जो मैक्सिमम जो तोड़फोड़ होती है उसके बारे में जानकारी देना था मेरा काम, ठीक है सर। नेक्स्ट में लेते हैं सर इसकी थ्रेसर सापट सर। बहुत से किसान भाई अपने से भी अभी सापट ले गए हैं और बैरिंग भी ज़्यादा मतलब टूट जाते हैं, तो उसका मेन मतलब मेन कारण क्या है, मेन सबसे बड़ा कारण तो क्या है सर, जब हम इसके अंदर ग्रीसिंग करते हैं सर, सभी बैरिंगों के अंदर,
कोई बैरिंग क्या कर देते हैं सर, जो बाजार में है जैसे प्रेशर से डलवाने लेते हैं या हाथ से, मतलब जब तक ग्रीस बाहर नहीं आता तब तक क्या कर देते हैं उसको, करते रहते हैं। लेकिन हम आप हमारे यहाँ सभी जो परिवार के अंदर से वो पंखा लगा होता है सर, एक उसमें छोटा सा बैरिंग लगा होता है सर, उसके अंदर बिल्कुल ही आपको इतना सा ग्रीस है, और कभी हम दो या तीन साल में हमें पंखे को जब एक करते तभी पता लगता है, कभी अब उसको ग्रीस की जरूरत पड़ती है सर, तो गोलियों को तो सर बिल्कुल इतना ग्रीस की जरूरत है। तो मेरी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप लिमिट से ज्यादा ना करें। कान क्या होता है, 5 kg की मेरे पास में आएगा, मेरे तो सर मैं तो दुकानदारों में दूंगा, बोला सर 5 kg की पीपी दे दो, मैं बोला क्या करेगा भाई, बोला सर इसके अंदर दूंगा, मैं बोला इसके तो आधा लीटर भी बहुत है सर आपके लिए, तो नहीं नहीं 5 kg दे। फिर मैं उसको समझाता हूँ, मैं बोला भाई इसके जो जो ये जो बैरिंग है ना सर, इसके अंदर बिल्कुल ही थोड़ी सी जरूरत है, जैसे आपने दो दिन के अंदर दो पंप मार दिए बस इतना सर, दो या तीन दिन के बाद दो, कभी आपको ग्रीस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे तकरीबन जमींदार भाई हर सुबह सुबह के टाइम ग्रीस देते हैं। बिल्कुल सर। या कई बार ड्राइवर लंच में रोक लेता है थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट रुक जाए तो बाद में ग्रीस गन ठाक लेंगे, ग्रीस दो भाई ग्रीस दे दो। उसके बाद में क्या करेंगे सर, जैसे ग्रीस मतलब कर देंगे, यहाँ से लीकेज हो गया, लीकेज हुआ सील खराब होगी, सील खराब होगी आपका बैरिंग खराब हो गया, बाहर से धूल मिट्टी में मशीन चलती है, ये तो है नहीं सर, रोड के ऊपर चल रही है ये, तो ऐसे मशीन के अंदर जो वो है ना ग्रीस अंदर धूल को खींचना शुरू कर देता है तो आपका बैरिंग खराब हो जाएगा सर। कभी भी देखा हो आपने जिस मशीन के अंदर एकाधा बैरिंग के अंदर ग्रीस नहीं आता, वो 2 या 3 साल हो गए मेरे को, डंडा साहब उसमें तो ग्रीस आता ही नहीं है, टूटा है भाई नहीं टूटा है, तो वो क्यों ज्यादा चल रहा है सर, जो हम डेली ग्रीस मार रहे हैं उसके अंदर मतलब बार बार क्यों दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद में नुकसान क्या होता है सर, नुकसान ये होगा जैसे आपने ज्यादा ग्रीस मारा, ग्रीस मारने के बाद यह बैरिंग टूट गया, तो किसान क्या करता है सर, मशीन को चलाता रहता है। उसके बाद में क्या होगा सर, चलाने के बाद में जो सापट की सीट है ना वो डाउन हो जाती है सर, सीट कटनी शुरू हो जाएगी बैरिंग टूट करके। तो जब भी आपने बैरिंग डालना है, चलो टूट जाता है कोई बात नहीं, मशीन गिरी है भाई, उसके बाद में क्या करना है सर, आपने बैरिंग को निकालने के बाद में सीट देखो कहीं उसकी सीट तो टूटी डाउन तो नहीं है, लूज नहीं है, लूज नहीं है तो बगैर देरी करे, चाहे आपके 10 डंपर बनाने रह रहे हो या फिर 1 डंपर बनाने रह रहे हो, तो आप उसको सर सापट को बाहर निकालो और हाँ लूज है तो उसके बाद में सीट आपने नई सापट डालनी है सर, खराद में तो सर जैसे ही वेल्डिंग लगाया वो खराद या जो बंदा है वो वेल्डिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेगा, लेकिन उसके बाद में तुरंत आगे से टूटेगी या पीछे से टूटेगी सर, तो ये भी मैंने जो थ्रेशर खराद ना करो, हाँ बैरिंग टूटने के बाद में मशीन को रोक दो, नहीं तो जैसे हम गाड़ी अगर हम पंचर हो गए सर तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा दूर हो रहा है भाई, चलो पंचर को आगे ले जाते हैं, हाँ तो उसमें नुकसान हमारे को है सर, हमारी गाड़ी का टायर भी जाएगा, रिम भी खराब होगा सर, ठीक उसी किनारी भी खराब हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल खराब हो जाए। उसके बाद में सर उससे डिफेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे आपने दूसरा बैरिंग डाला तो 4-5 घंटे के बाद फिर मशीन बैरिंग तोड़ेगी, बैरिंग की सीट अगर लूज है सापट की सीट कट गई तो बैरिंग ने दोबारा फिर तोड़ देगी, बिल्कुल बिल्कुल सर, उसका फिर डिफेक्ट क्या होगा सर, बैरिंग टूटने के बाद में सीधा थ्रेशर अंदर ऊपर नीचे लगेगा तो आपके मतलब जो ब्लेड भी खराब हो गए सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, कई चीज का नुकसान कर देते छोटी सी लापरवाही, तो ध्यान दे किसान जब भी आपका ये बैरिंग टूट जाता है तो अपनी सीट को चेक करो, तो अगर सीट सही है तभी आप फिटिंग करो सर। उसके बाद में इसकी टक्कर भी होती है सर, कई बार जो बंदे की शिकायत आती है भाई मैंने रेसर सापट को फिट किया था फिर मतलब बैरिंग टूट गया, तो जब यहाँ से वहां तक एक टक्कर होती है सर बीच में, दोनों बैरिंग को फिट करने के बाद में थोड़ा सा मिस्त्री को बोलो तो अच्छी तरह से इसकी जांच कर ले, उसके बाद में फिटिंग करे, गुर्जिंग वगैरह सही लगाई है कि नहीं है, जो अंदर कटर है वो सही आपने फिट किए हैं कि नहीं किए हैं, तो खुद किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप लापरवाही ना बरतें, जहाँ भी जाते हो एक बार रीचेक करो उसको, जहाँ जहाँ नट बोल्ट हैं उसके सही फिट होने, कई बार मिस्त्री लूज छोड़ देता है सर, तो आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है आने वाले दिनों में, ठीक है। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं सर, जो थ्रेसरी जो सापट है ये सापट क्यों बैंड होती है, इसके अंदर गण बजा ले सर बिल्कुल कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि मैं इधर आऊँ ना सर, ये जो थ्रेसर जो पंखे की सापट है ना, मैं भी 14-15 साल से काम कर रहा हूँ सर रीपर के अंदर, जब भी खराब होती है सर, या किसान भाई आप जैसे हमारे रिव्यू देते हैं भाई चल ठीक है भाई क्यों खराब हुई, जैसे ही आपने ट्रॉली फिट कर ली, फिट होने के बाद ट्रॉली भर गई, अगर आपने 3 मिनट भी एक्स्ट्रा चला दी सर, जैसे ही मतलब जो धूल मिट्टी आनी शुरू हो जाए ना सर, हाँ तो फिर क्या करना है सर, जैसे ही आपकी धूल खत्म हो जाती है ना, अगर आपने ज्यादा मिनट तुरंत रोक दो उसको,
इसका मतलब क्या है? हाँ, पाइप के अंदर सर आपकी क्या हो जाएगी, थ्रेशिंग के अंदर तोड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे, यहाँ करके मतलब 3 मिनट के अंदर ही मूवमेंट हो जाएगा इसके अंदर। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद में सर यहाँ तक पंखे के अंदर मतलब तोड़ी भर जाएगी, तोड़ी भर जाएगी। तो आगे ट्रैक्टर चक्कर लगा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो अचानक से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लोड आएगा सर। ये तो देखो ये कितनी हैवी वो है सर, सापट है ये। हाँ, बैंड होने का कोई चांसेस नहीं होता, ये होता सर स्टार्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये किसान भाइयों को मेरा अनुरोध है कि आप ज्यादा ट्राली ना भर करके थोड़ा सा अपने ड्राइवर को भी समझाएं। कई बार क्या होता है, ड्राइवर अपना मगन रहता है, गाने वाने बजाना रहता है, उसका ध्यान नहीं रहता। उसको सख्त हिदायत दो भाई, जैसे ही ट्राली भर जाती है तुरंत आपने रोकना है। बिल्कुल 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 सर। तो ये थी अपने पीछे वाली सापट के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये थी सर जो बीच वाली थ्रेशिंग के बारे में आप भी बता दिया। कई बार क्या होता है किसान भाई के गाइड ड्रम भी खराब हो जाता है, मतलब गाइड ड्रम वो किस लिए होता है जब पुरानी, मैं ऐसा नहीं है, मैं नई मशीनों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ सर, जो आने वाला जो समय। हाँ, पुरानी वाली भी नए वाले भी सर। हाँ हाँ, मतलब सबको किसान भाइयों को थोड़ा सा जानकारी होगी, तो क्या पता 5% तो हमारा को नुकसान होने से बचे सर। हाँ, सही बात है। तो जो गाइड्रम की जो सापट है, गाइड्रम सापट तो खराब नहीं होती है सर, लेकिन गाइड्रम कभी कभी खराब हो जाता है। तो 2 या 3 साल के अंदर आपने मतलब गाइड्रम की रीचेकिंग करवा लेनी है, ताकि वो मतलब अंदर से उसकी पत्ती लपेट जो बोलते हैं, जैसे लान को अलग, मतलब 2-3 साल के बाद में ट्राली के बाद में अपनी मतलब गाइडरूम की पक्का रीचेकिंग करे, अच्छे से जांच कर ले जब चलाने से पहले, मैं कहीं से फटा तो नहीं है, कोई लूज तो नहीं है। तो वो चीज आपने बिल्कुल ही मतलब सख्ती से है, ताकि आपको लापरवाही होने से मतलब आप बच सको। और इसके अलावा फिर मैं आपको गेयर बक्से के बारे में जानकारी देता हूँ सर। गेयर बक्से के अंदर जैसे प्लेट, दाएं बाएं की प्लेट तो ठीक है सर, आगे पीछे की प्लेट नहीं होनी चाहिए। हाँ, सापट आगे पीछे नहीं, इसका मतलब उसके अंदर प्ले होगी है। और प्ले को निकालने के लिए आप सीजन से पहले उसको सीम वगैरह डलवा करके और गेयर बक्से की जांच करो, ताकि आपको बीच में एकदम से भगदा ना पड़े सर, काम भी ना छूटे, हाँ नुकसान भी ना हो। अच्छा, पीछे की तरफ रह गया वीडियो में बने रहे, और जो भाई पहली बार अपने चैनल की वीडियो देख रहा है ना, चैनल ने सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा लो। एक बार में कई बार क्या होता है सर, जैसे किसान भाई आते हैं, चलो बाकी वाले काम करवा लिया, यहाँ पर लूज छोड़ देते हैं सर इसको, मतलब बहुत ही ज्यादा आरपीएम में, और मैन जो रीड गड्डी है सर, ये कटिंग करके अंदर जाना होता है मेटल को, तो यहाँ इसके अंदर अगर आपका लूजिंग है तो या तो आपकी वेल करंट चेंज करो या आप बैरिंग चेक करो, उसका चेक नट की सही प्ले निकालो, तो आपको मतलब पूरे सीजन में परेशानी नहीं आने वाली है सर। उसके अलावा इसके अंदर वेल क्रैंक है जो बीच के अंदर, इसमें मैक्सिमम सभी कंपनियों के अंदर 30205 का बैरिंग डला होता है सर। अगर ये हिल रही है यहाँ से तो आप तुरंत उसको इसको खोलो, कोई बड़ी नीचे पले हो रही है, तुरंत अपने बैरिंग चेंज करो, ताकि आपने उसके बाद में बैरिंग अगर आपने समय से पहले ये लूजिंग है चेंज कर दिया, तो मेरी गारंटी है सर पूरे सीजन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मतलब पूरा सीजन मशीन ब्रेकडाउन नहीं हो, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो सर, नहीं में तो होता ही नहीं है सर। उसके बाद में फिर क्या होता है सर, ये एंड गोली, एंड गोली के अंदर भी आपने क्या करना है, चेक नट को सही से जांच कर लेना है, मतलब 2-3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर बताना भाई कहीं अगर ना चेक नट की मतलब कई बार लूज हो जाता है सर। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम क्या हो जाता है सर, कई बंदों के फिंगर या फिर स्ट्रिप खराब हो जाती है, वो किस कारण से होती है सर, यहाँ से जैसे कोई हार्ड चीज गई तो क्यों वहां से तो मूवमेंट कर रहा है, तुरंत इसने ब्रेकन किया, मतलब उधर से स्ट्रिप मूवमेंट कर रही है, तो इसके बीच में कोई अड़चन आ गई तो आपका फिंगर डेड हो जाएगा सर, टूट जाएगा। हाँ, ब्लेड और स्ट्रिप बैंड हो जाएगा सर, या इस पत्ती के अंदर भी बैंड हो सकता है। लेकिन जब भी आपने नई सीजन स्टार्ट होने से पहले अगर फिंगर डालने हैं आपने, तो एक तो इसके अंदर पत्ती के जो ये है, इसके अंदर आप थोड़ा साइड में होकर के ये देखो भाई मेरी पत्ती में कोई बल वगैरह तो नहीं है। फिंगर डालने के बाद में किसान क्या करते थे, एक बार इसकी पत्ती होती है सर सिंगल बगैर उसकी, उसको मूवमेंट करके देखो, कहीं ना कहीं आपको अगर मतलब अड़चन नजर आती है तो उस फिंगर के अंदर दिक्कत है, या फिर उसको आगे या पीछे करके सेट करके फिर आप चलाओ। फिर आपको ये भी मेरी गारंटी है, अगर आपने ये सही फिंगर सही सेटिंग करके अगर आपने पहले ये चेकिंग कर ली, तो दोबारा आपको ना तो फिंगर टूटने की शिकायत आएगी और ना ही आपकी स्ट्रिप जल्दी से खराब होगी सर। ठीक है, एक चैन के बारे में और बताओ डांडा साहब, कई भाइयों की शिकायत होती है कि चैन टूट रही मशीन बार बार। सर, चैन टूटने के जो मेन जो सबसे बड़ा कारण है सर, लाइन आउट हो जाती है उसमें। इसमें कोई भी किसान भाइयों जानकारी भी रहती है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते सर। जो पीछे से आप खड़ा होकर देखो तो बिल्कुल लाइन अलाइनमेंट है, तो कभी चैन नहीं खराब होगी सर। अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए सर, आपकी चैन बिल्कुल खराब नहीं होगी सर, वो सालों साल चलेगी।
सबसे बड़ा कारण क्या है, लाइन अलाइनमेंट। और मिलाने के लिए यहाँ से एडजस्ट नहीं करना है सर आपने। अच्छा, इस जो ये पुली है, जो जो उगर की पुली है, जो हाँ। यहाँ से एडजस्ट करके इसके अंदर कटर होती है सर, बाहर की तरफ इसको थोड़ा सा अंदर ले जा सकते हो। अंदर बाहर में हाँ, हाँ, हो गई है। हाँ, अगर यहाँ से आपने मशीन को इसको छेड़ दिया तो आपने ये थोड़ा कटर वाली जो आगे वाली पुली है इसको भी साथ साथ में मतलब आपने मूवमेंट करना, नहीं तो ये बेल्ट भी खाना स्टार्ट कर देगी सर। ये जो हाँ जो बेल्टों है, बेल्ट भी आपने ये देखना भाई, अगर देखो मैं ये मुट्ठी मारने के बाद में अगर आपकी जंपिंग ऊपर की तरफ आ रहा है तो आपकी मतलब बेल्ट सही है। अगर आपकी जंपिंग आने के बाद में नीचे आपकी मुट्ठी रह रही है तो इसका मतलब आपकी क्या है, बेल्ट लूज है। और जैसे ही आपने थोड़ा सा शाम होते ही आपने चलाई तो ये सारी की सारी बेल्ट स्लिप कर जाएंगी सर। और इस सीजन में मैं जानकारी देता हूँ सर, आपने पता है कि आज मैंने पेपर में ही पढ़ा है, पिछले मेरे ख्याल में 13 साल में सबसे जो कूल है, ठंडा जो वो रहा है अप्रैल का महीना मौसम रहा है सर। हर चीज़ इफेक्ट डालती है सर। मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ सर, जैसे ही मौसम ख़राब हुआ है तो जो सांस का जो मरीज़ है ना उसको भी तकलीफ हो जाती है। तो हमारी जो मशीन है ये तो एक निर्जीव चीज़ है जो मतलब RPM में चलनी है सर। तो सबसे बड़ा इफेक्ट क्या, मैक्सिमम क्या कर देते हैं सर हम मशीन का या ट्रैक्टर का, है ना, या फिर उसको ड्राइवर को बोल देंगे तुमने मेरे को मतलब जल्दी जल्दी ट्रैली भर के नहीं दी। तो सर अब की बार जो मौसम रहा है, मेरे हिसाब से सभी किसान भाइयों को सभी मशीनों में कम से कम भी 1.5 से 2 लीटर की एवरेज ज़्यादा ली है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है सर मौसम में नमी होना, ठीक है, मौसम में नमी हो गया। जैसे देखो सर अभी मैंने ये कितने दिन बिल्कुल ये 1.5 महीने से बना रखी है इन्हें, अभी आप देखो इसको मूवमेंट करके देखो सर, बिल्कुल ये क्या है, टूट नहीं रहा सर, कितनी देर में टूटा है। तो मशीन के अंदर सो लपेटा खा जाती है, इस वजह से बेल्ट स्लिप करेंगी, टूट फूट होगी। हाँ, और अपने एक चीज और है अपने यहाँ पर सर, पंजाब में अपने में डिफरेंस क्या है, पंजाब में थोड़ा मुट्ठी तोड़ी इस्तेमाल करते हैं सर, लेकिन हमारे किसान भाइयों को जो इसको मशीन को इस्तेमाल करता है उसकी मजबूरी हो जाती है, वो नन्नी के चक्कर में क्या होता है सर, जैसे हम पहले आपने देखा होगा अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाक्की को जितना हम टाइट करेंगे तो पट्टा के ऊपर लोड आएगा, मोटर के ऊपर लोड आएगा, उतना ही नन्ना बनाना स्टार्ट कर देगी। थोड़ा सा उसको ढीला करोगे तो तुरंत आपको मतलब और जल्दी भी आपका मतलब आटा पीसा जाएगा सर। ठीक, मशीन का भी उसी प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ, जितना आप नन्नी करना चाहोगे उतना ही ट्रैक्टर के ऊपर भी आपका एक्स्ट्रा डीजल खपत होगी और आपको ज्यादा मतलब परेशानी होगी, टूट फूट भी ज्यादा होने वाली है। लेकिन मौसम के हिसाब से बार हाँ। सभी मशीनों में जो ट्रैक्टर है तो एवरेज में फर्क भी पड़ रहा है, बिल्कुल 1.5-2 लीटर। हाँ, वो मौसम को नहीं जानते सर, मैं बताया ना उदाहरण दिया सर, देखो सांस वाला मरीज या जिसको मतलब वो है मौसम बदलते ही आपको तकलीफ आने शुरू होती है, तो ये तो एक मतलब मशीनगरी है सर। उसके बाद में मैं आपको जानकारी देता हूँ सर, जो ट्रैक्टर आपका 18 की रेस में 540 चक्कर निकालता है, कई भाई को शिकायत होती थी कि भाई हमारे को चक्कर मैच नहीं हो रहे, चक्कर अपने घर बैठे ही सर आप चक्कर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ से जैसे ही आपने 540 चक्कर निकालता है, आपको पता है ट्रैक्टर, तो इस पुली के ऊपर आ जाना है सर, जो आपका बराबर का 540 है। हाँ, और ये गियर एक का है सर, एक का, तो हाँ, इसी सापट में 540 चक्कर ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 540 चक्कर आ गए। अगर 16 की पुली है तो 540 की डाल रखी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो 540 गुना में 16 और बाघ में जितनी भी पीछे है सर आपकी, चाहे 9 इंची है, चाहे 10 इंची है, चाहे 1 इंची है, उसको डिवाइड कर दो, भाग दे दो, उतने ही आपके चक्कर थ्रेसर के हैं सर। यानी कि 18 की रेस में अगर आपका वहां से 540 निकालता है बराबर का गेयर बक्सा, तो 540 गुना में 16, उसके बाद में भाग में जितना भी आप करोगे सर, इसमें 11 की है तो भाग 11 में कर दो। हाँ, 9 की है 9 तो करो, 10 की 10 तक करो, बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पर 16 की है, 15 की है, जय की भी, आप वो अपने सबकी पुड़ियों के ऊपर लिखा हुआ दर्शक भाइयों, बिल्कुल आप नोट कर लियो, बिल्कुल फार्मूला यही है, जिसके में गियर एक का है, मतलब बराबर का भी कह दे, एक भाई एक का भी, वहां से अगर पीटो का एक चक्कर आ रहा है तो इधर भी एक ही चक्कर निकल रहा है, तो उसको एक का गियर बोल लेंगे। तो जैसे 540 वहां से निकले तो इस गियर ने यहाँ पे 540 ही दिए, 540 मान लो आपकी पुली 15 की तो गुणा 15 करो, 16 की तो 16 करो, 14 की तो 14 करो, बिल्कुल गुणा में ये पुली का साइज। हाँ जी, और बाघ में इस पुली का साइज, तो आपके थ्रेसर के चक्कर निकले, बिल्कुल सर। उसमें किसी को आप मशीन लगाने की जरूरत है, लेकिन ध्यान रखना सर ये सिर्फ बराबर के गियर बक्सा के लिए है, जो एक एक का सर गियर बक्सा है। तो नेक्स्ट लिए हम लेते हैं, अगर सवा का गियर बक्सा है तो हाँ, तो 540 तो आपको प्लस है ही है, 540 को अगर 4 भाग करोगे तो उसमें से 135 निकलेगा, 135 और प्लस 540 उनको जोड़ोगे तो उसके बाद में यहाँ पर चाल आ गया अपनी, उतनी चाल के अंदर जितनी भी पुली है 16 की है, 14 की है, 15, उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर दो सर, गुणा कर दो, उसके बाद में भाग में वही आपका
जितना भी बात करोगे उतना ही आपके थ्रेशर के चक्कर आएंगे सर। ठीक है, तो ये थी मेरी जो पुलियों के लिए या चक्करों के लिए बार बार जो किसान भाई कोई भी ये पुली दे दो उसकी चक्कर में, तो मेरा ये भी मानना है सर आप एक दूसरे की मशीन को देख करके पुलियों को देख करके उसकी चक्कर में 15 है उसमें 9 है तो ऐसा मत करो सर। आप खुद कैलकुलेशन करके अपनी रिपर के साथ में मतलब चक्कर निकाल सकते हैं। दूसरे की मशीन में देख ले हैं भाई उसके हम पुली कौन सी हम भी वही डाल देते हैं। डाल देते हैं सर। देखते कि आपका ट्रैक्टर कितने आरपीएम पर कितने चक्कर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका रेक का सवा का है डेढ़ का भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी ध्यान में रखने वाली चीज है सर अकेले मशीन के अंदर भी नुकसान नहीं होता, अकेले ट्रैक्टर के अंदर भी नुकसान नहीं होता, चलाने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है किस प्रकार चलाता है सर वो, तो सभी का कॉम्बिनेशन करके तभी मतलब आपकी ट्रैली का भी एवरेज बढ़िया आएगी सर और आपकी थोड़ी ट्रैली भी ज्यादा बनेगी। जाल के ऊपर भी डिपेंड करता है सर, किसी का 53 का जाल है किसी का 47 का जाल है वो एक्स्ट्रा करेगा, उसके बाद में सर थोड़ी कम ज्यादा का भी वहां पर डिफरेंस पड़ गया। फिर एक जहाँ से ढुलाई है सर, किसी का 2 किलोमीटर जा करके ट्रैक्टर वापस आ रहा है, किसी का 1 किलोमीटर डाल करके वापस आ रहा है, तो वो ज़्यादा बनाएगा वो कम बनाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं सर जो प्रैक्टिकल हमने दिखाई नहीं देती, हम सीधा क्या कर देते हैं भाई मशीन या ट्रैक्टर या ड्राइवर को हम गुस्सा हो जाते हैं, तो सारी चीजें वो कैलकुलेशन करके तब आप नतीजा निकालो तो बेहतर रहेगा सर। मतलब कहीं ना कहीं तो ड्राइवर पे गुस्सा करेंगे तू मंदा चला रहा है ट्रैक्टर ने। हाँ, उसकी देखेंगे मैं मशीन की पुली बदलो या ट्रैक्टर की चाल बढ़ाओ, कोई ना कहीं छेड़खानी करेंगे। छेड़खानी करेंगे सर। तो कई चीजें ऐसी है सर जो मिल करके मतलब आपको जो एवरेज भी देंगी और ज्यादा आपको ट्रैली भी भर के देंगी। तो सर भी दर्शक भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो आखिरी में यही कहना चाहूंगा जो भालू भाई है इसके अंदर जो परेशानी है हमने वो कंपनी की तरफ से भी दूर कर दी गई है और ये आज मतलब अपने आप में ही देख रहे हो भाई खुश है। कोई बात नहीं भाई, भाई। और मैं बोलू भाई से करूंगा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आगे जो सामान लेना है तो प्लीज हमारी दुकान से ही ले और बाकी दर्शकों से भी अनुरोध करता हूँ भाई। मेरा जो मोबाइल नंबर है 7798-99-316, दूसरा नंबर है 9790-99-316 और भाई पर दुकान का एड्रेस और बता दो चलते चलते। श्री बालाजी एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट। और एड्रेस और बता दो, नाम तो बता दिया दुकान का। सर एड्रेस ये है भी पुराना हाशी रोड और नया हाशी रोड के बीच में है सर, अपना वर्कशॉप वहाँ पर है सर। जींद में सर। छोटी सी बात को लेकर के जैसे हमने क्या कर देते हैं, जैसे आपस में कोई मन मुटा हो गया तुरंत हम शिकायत माँ को पापा को लगाते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अंदर भी रखनी पड़ती हैं सर। जैसे एक उदाहरण देता हूँ सर, 4 या 5 दिन पहले क्या हुआ कि कस्टमर है जो पुड़िया को मैंने इसलिए जानकारी दी है, एक कस्टमर अपनी मैम वाली दुकान से पुड़ी लेके चला गया सर। अच्छा। वो केस का रिपर रखता है तो उसने क्या किया भाई ने चेक कर ली भाई पुड़ी लेके चला गया, वहाँ जाने के बाद उसने पुड़ी चढ़ा दी सर और वो कटर मोटी थी सर वो पुली टूट गई। हाँ तो पुली टूट गई, वो पुली टूटने के बाद में सर पुरानी मशीन है वो मतलब 3-4 साल पहले पुरानी की, उसके बाद में फिर उसने बदलवाने को बुलाया तो पहले से टूटी हुई थी। आ गया बोला आपके भाई है ना वो बदल दिन नहीं दे रही है पुली टूट गई है, तो मैं बोला भाई ऐसा नहीं है भाई, मेरे 2 दिन पहले मेरे भी जो वर्कर ने है वो पुली तोड़ दी कटरबड़ी की वजह से, उसने सही मिलान नहीं करा। तो उन्होंने बोला मैं तो भाई सीधा भी मैं वीडियो डालूंगा और यूट्यूब पर डालूंगा इस पर डालूंगा। मैं बोला भाई ये छोटी सी चीज़ के लिए आप मेरे को क्यों मतलब इतना परेशान कर रहे हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से जब तक दोनों तरफ की आप बातचीत नहीं सुन लेते तो आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट है समाधान पहले ही हो जाता है सर, और बोलो भाई का मैंने पहले ही समाधान कर दिया था ये तो चलो ठीक है, अभी इस बहाने से हमारे को ये नई जानकारी ये देने का मौका मिला जो होता है अच्छे के लिए होता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों वो क्या कह रहा कि भाई थोड़े कहीं ना घना समझियो और छोटे ने प्यार और बड़े नमस्ते भाई, गोलू भाई भी और डंडा साहब भी आज दोनों एक साथ खड़े हैं और मशीन में जो कमियां थी ना जो पुरानी वीडियो में आपने देखी थी वह सारी कमियां आज दूर हो चुकी हैं और डीलर और जमींदार दोनों एक साथ खड़े हैं। तो भाई जो पिछली वीडियो में आपने मशीन की कमियां देखी थी उस वीडियो में देखी हुई ने अनदेखी करो और मशीन की खासियतों पर ध्यान करो। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।